अब महवेश नजर नहीं आई ना जी भाई। महवेश वो घर छोड़ के जा चुकी है। कहाँ? अपने मायके। ये तो होना ही था। क्या मतलब? मतलब आपने भी तो उसके साथ ठीक नहीं किया ना। क्या क्या किया मैंने? महवेश मुझे नादिर भाई सब कुछ बताती रही है। क्या? ओहो अब मैं समझा, वो यकीनन आप ही उसे उल्टे सीधे मशवरों से नवाजती रही होंगी। ऑफ कोर्स वो मेरी फ्रेंड है नादिर भाई, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको बताऊं क्या ठीक है और क्या गलत है। जब ही तो मैं कहूँ मेरी बीवी इतनी भोली भाली है, उसमें इतनी चालाकी कैसे आ गई? और आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या मतलब? और वो कंगन? अरे कौन सा कंगन, मुझे वाकई उस कंगन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो खुद उसको ढूंढता फिर रहा हूँ। और वो पैसे जो आपने महवेश को दिए थे और वापस ले लिए? वो पैसे मैं किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए वापस लेना चाह रहा था, क्योंकि काफी अरसे से मुझे कोई केस नहीं मिला और उसकी मदद करने के लिए मेरे पास रकम नहीं थी। मदद? कैसी मदद? भाई मेरे ऑफिस में खातून आई थी, वो बेचारी अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है क्योंकि उसका शौहर एक जालिम और नशे इंसान है। वो उसके बीमार बच्चों की दवा के पैसों तक से नशा कर लेता है, ना उसके पास वकीलों के पैसे ना कोर्ट की फीस। तो मैंने उससे हामी भर ली थी कि मैं उसका केस फ्री में लड़ूंगा और जो पैसे मैंने मांगे थे उससे उसके बीमार बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना था। और एक बात आपको बताता चलूं, महवेश आपको मेरे बारे में सब कुछ बताती थी। उसने यकीनन आपको बताया होगा कि एक दिन सुबह ही सुबह मैं बहुत खुशगवार मूड में ऑफिस जा रहा था। हाँ कहा था। उस खुशी की वजह ये थी कि उससे एक दिन पहले मेरे पास एक बहुत बड़ा केस आया था और अगर मैं उस केस को हल करा देता तो मुझे एक बहुत भारी मुआवजा मिलता, लेकिन वो क्लाइंट उसके बाद पलट के वापिस ही नहीं आया। ओह आई एम सॉरी नादिर भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खामोखा आप पर, मैंने ही वो तमाम बातें महवेश को बताई थी और मैंने ही उसे ऑफिस जाने का मशवरा दिया था। कहीं वहां तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई? हो गई है गड़बड़। उस दिन महवेश मेरे ऑफिस आई और मेरे पास एक लड़की बैठी हुई थी जो एक केस के सिलसिले में मेरे पास आई थी, और महवेश समझी के मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे रियली नहीं पता था कि आप इतने अजीम इंसान हैं। मुझे माफ कर दें। और वो कंगन, अगर वो आपने नहीं लिया तो यकीनन वो यहीं कहीं होगा। उस कंगन का मिलना बेहद जरूरी है। वाकई आओ उसे ढूंढते हैं। चले जमील, आप? तुम यहाँ? आप प्लीज मुझसे शक मत कीजिएगा, मैं आपको सारी बात सच सच बताती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम जैसी शक्की मिजाज औरत ने। औरत नहीं लड़की, क्या इस उम्र में आपको औरत नजर आती हूँ? ये कॉमेडी का वक्त नहीं है अंबर, तुमने अच्छे खासे एक शरीफ इंसान के घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खुदा ना खास्ता अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और कुछ बिगाड़ने का इरादा है क्या? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है जमील, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। महवेश मेरी दोस्त है और मैं उसका घर बिगाड़ने नहीं दूँगी। नादिर साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ। थैंक यू। कहता हूँ क्या जरूरत थी तुम्हें उसे इस तरह बेकाने की? बिना किसी सबूत के तुमने नादिर के खिलाफ महवेश के दिल में शक डाला। जमील मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने उस बंदे का घर बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर तो तुम घर में शक करती ही थी, अब बाहर के लोगों पर ही करने लगी। सॉरी जमील, ये वक्त इन बातों का नहीं है, नादिर और महवेश के लिए कुछ करने का है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब हमें ही महवेश को किसी तरह उसके घर में लाना होगा। देखो महवेश तुम्हारे ना होने की वजह से क्या क्या काम करने पड़ रहा है, कब आओगी वापस?
अरे आप, ये आपके लिए पराठे नायना। आपने क्यों खाना खाने में जहमत की है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये आपकी उंगली में क्या हो गया, कैसे कट गई? बस ये कुछ काट रहा था किचन में, चुपट लग गया। महवेश के ना होने की वजह से आप कुछ काट पीट रहे होंगे शायद, जिसके वजह से आपकी उंगली पे चोट लग गई। आई एम सॉरी नादिर भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, आप फिक्र ना करें, वो मेरी वजह से गई है और ये मेरा आपसे वादा है वो वापस आ जाएगी। हम बिल्कुल ठीक कह रही हैं नादिर, मैं भी ज़रूर वापस आएगी और हम उसे वापस लाने के लिए आपकी भरपूर मदद करेंगे। कुछ कहना है। हाँ कहो। I'm sorry. Sorry? Sorry किस बात के लिए? मुझे माफ कर दीजिए नादिर, अंबर ने मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया है, मैंने बिला वजह आप पर शक किया, हालांकि आप तो। हाँ मैं तो। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं नादिर, बस मैं ही बहुत बुरी हूँ जो आपके बारे में ऐसी वैसी बातें सोचती हूँ। नहीं महवेश प्लीज ऐसा मत कहो, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन तो आया। अब ऐसी भी बात नहीं है। पता है महवेश, आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया की खुशियाँ आज मेरे दामन में सिमट आई। अच्छा जी। हाँ जी, और पता है महवेश तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। वो क्या? तुम्हारा वो कंगन जो खो गया था वो बेड के किनारे अटका हुआ था और मैंने उसे तुम्हारे कबर्ड में रख दिया। जानते हो नादिर वो कंगन मुझे इतना अजीज क्यों है? तुम्हारी कोई भी प्यार से दी हुई चीज मैं खोना नहीं चाहती। दो दिलों